मौजूदा तालीमी निज़ाम पर आज हम लोग बात करेंगे। सीएमओ हाई स्कूल एचएस के टीआईसी जनाब आफताब आलम साहब से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेढ़ साल से जो स्कूल बंद है इससे, या गवर्नमेंट ने जो तरीका निकाला है बच्चों को पढ़ाने का, इस तरीका से बच्चे कितना फैजियाब होंगे, इस बारे में हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आफताब आलम साहब, आपका खैर मकदम है सिटी न्यूज 24 आवर में, आप जरा अपने ख्यालात का इजहार करें। देखिए, तालीम निज़ाम जो है अंग्रेज़ों के बाद या अंग्रेज़ों का वक्त से जो आप अगर इसको लें तो पहले मकतब एजुकेशन था, मदरसा एजुकेशन था, पाठशाला था। उसके बाद जो है उसी वक्त बोर्ड बनाया गया, काउंसिल बनाया गया, और अब तक हम तक इस तरीके से तालीमी निज़ाम को पहुंचाया गया हमेशा। अभी जो है जो ख़ास करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम की जो मामला है वो अभी हम पेंडेमिक से पहले की सिर्फ बात कर रहे हैं। जो एजुकेशन का है वो हमेशा मेरे दिमाग पे, वो हमेशा पॉलिसी टाइम टू टाइम जो है बदलाव आते गए तालीमी मैदान में, करिकुलम में बदलाव आए हैं। अभी जो बात की जा रही है कि डेढ़ साल से किस तरीके से एजुकेशन सफर कर रहा है, तो हम तो ऐसे ही कह सकते इस सिलसिले में कि कभी भी जो है सप्लीमेंट्री, यानी कोई भी सप्लीमेंट्री जो है वो आपका नेचुरल नहीं हो सकता। जैसे कोई विटामिन, तो वो विटामिन क्या है, वो नेचुरल कभी भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ सप्लीमेंट है। वो कोई डॉक्टर किसी की सेहत के लिए जो है वो बीमार के लिए वो दिया जाता है, लेकिन उसका वैल्यू न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन वैल्यू उसी वक्त है जब हम जो हमारा जिस तरीके से रोज़मर्रा में हमको जितना डाइट चाहिए, जितना हमको खाना चाहिए, अगर हम खाते हैं होममेड तभी हमें सेहत मिलेगी। तो तालीम की सेहत भी कुछ ऐसा ही है, ये ऑनलाइन नहीं है, वो भी ऑनलाइन भी आपका सप्लीमेंट्री है और कभी भी नेचुरल नहीं हो सकता वो। तो ये तो आप समझ गए एक सेहत के एतबार से कि तालीम का जो हमारा निज़ाम है आज जो ऑनलाइन है उससे बल्कि मेडिकली नुकसान भी है। करके जो है वो पढ़ता रहे और उसका एक ही फोकस रहे तो जाहिर सी बात वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और साथ साथ वो हेयरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ में। तो ये तो तिब्बी नुक्ता निगाह से भी जो है एक सेहत के लिए जो है एक एजुकेशन के लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है स्टूडेंट के लिए। अब रही बात है कि आपको बताए कि कभी भी ऑनलाइन जो है वो जो है नेचुरल या उसके नहीं हो सकता है। अभी जो निज़ाम बनाया गया तो अभी तो इस पर भी हमारा से सवाल है कि जहाँ तक के जो भी हिंदुस्तान के जो रीजनल जो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उस स्कूल में ऑनलाइन भी कितना प्रॉपर पढ़ाई हुई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ये डेढ़ साल के अंदर में अगर वो पढ़ाया ही जाता तो आज एग्ज़ाम लेने की जिस तरीके से ICSE या CBSE कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, हमारे कहाँ एग्ज़ाम हुआ। हमारे यहाँ तो सिर्फ इस बेसिस पे दिया जा रहा है कि भाई जो 9 में जितना मार्क्स लाया है, 11 में मार्क्स जितना लाए और बाकी आप इंटरनल और उसके साथ साथ जो है आपका जो ओरल मार्क्स होता है या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का मार्क्स है उस बेसिस पर आप दे दीजिए। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन का नुकसान है, ये ऑनलाइन एजुकेशन का नुकसान है। ये एजुकेशन के माने रेस का होता है, रेस के मतलब दौड़ है, और सब जब तक एक साथ नहीं दौड़ेगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। ये कलेक्टिवली है, ये माहौल है, और माहौल हमारे यहाँ तो पढ़ाया जाता है कि तमाम जब तक एजुकेशन का माहौल नहीं बनाया जाएगा, बच्चों का एजुकेशन का माहौल नहीं बनाया जाएगा तो भी प्रैक्टिकली जो है बच्चों को फायदा नहीं पहुंचेगा, एजुकेशन को फायदा नहीं पहुंचेगा। तो ये स्कूल में जो क्लासरूम जो प्रेजेंटेशन है वो जरूरी है। अगर बच्चों को वो अगर प्रेजेंटेशन एक टीचर नहीं देता है, लाइव नहीं देता है, तो बच्चों के अंदर में वो फायदा नहीं होगा जिस तरीके से जो ऑनलाइन क्लासेस है जो हम समझ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन को सिर्फ मैं एक सप्लीमेंट्री मानता हूँ, ये एक बदल है एजुकेशन का, लेकिन प्योर एजुकेशन नहीं है। तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि अगर मुस्तकिल जैसे डेढ़ साल या दो साल हुआ तो बच्चों का दो साल हम नुकसान मानते हैं, और ख़ास करके हम उन बच्चों के बारे में हम लोग को सोचना होगा जो हम लोग जो जितने भी स्कूल रीजनल स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है जो जुड़े हुए हैं वो बच्चे पीछे जा रहे हैं ज़्यादा। वो बच्चे नहीं जो ICSE से बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी किसी भी तरीके से जो सप्लीमेंट को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो भी हैं जो हमारे
जितने भी रीजनल स्कूल, जैसे हमारे बंगाल के जितने स्कूल्स हैं, ये तमाम स्कूल के बच्चों को कहाँ प्रॉपर पढ़ाई हुई है? प्रॉपर हमारा कहाँ ये आपका ऑनलाइन क्लासेज हैं, कहाँ है? अगर कुछ क्लासेस की बात, जैसे हम लोग अपने तौर पे स्कूल में चलाने की बात करें, तो सर्कुलर नहीं है। पारा टीचर बोलते कि हमको देख लो कहाँ है, कहाँ में क्लास लेने के लिए कहा जाता है। तो ये एक तरह से जो एजुकेशन, हम तो समझते हैं कि एक तरह से आज़ादी मिल गई है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर एक आज़ादी है जो अपने तौर पर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ये ऑनलाइन जो क्लास है, किसी भी तरीके से ये परमानेंट हल नहीं है, ये वक्ती है। और वक्ती को हम लोग अगर इस तरीके से और मजीद हम लोग एक साल डेढ़ साल जाएंगे तो बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान है। और बल्कि यही कहूँगा कि जो बच्चों को हम देखें देखना चाह रहे थे, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, कोई स्कॉलर बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, वो बच्चे नहीं बन पाएंगे और वो बच्चे मर जाएंगे। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, मतलब अपने? मैसेज ये देना चाहूँ कि जितना जल्द हो क्लासेस को शुरू किया जाए, ये मेरा मैसेज है। अब ये जो है एक इंतजामिया का या गवर्नमेंट का काम है कि किस तरीके से हम बच्चों को जो है क्लासेस शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिर एजुकेशन फील्ड में इस रेस में फिर से बैक कर सकते हैं, ला सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने तौर पे स्कूल से एक खबर आई थी कि बुक डे मनाया गया, तो हम लोगों ने सोचा ये सरकार की तरफ से ये एजुकेशन के लिए एक मैसेज है कि बच्चों को किताब दे करके बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए, ये कदम हमने महसूस किया था। इसी तरीके से अब ज़रूरत है कि सिर्फ किताब ही से हम नहीं जोड़ें बल्कि अपने स्कूल से बच्चों को जोड़ें ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। ये मेरा स्कूल जो एक छोटा सा समाज है, तो जब तक बच्चे समाज में रहेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, तो तब तक जो है वो माशरती जो अच्छाइयाँ हैं वो चीज़ें बच्चों में नहीं आएँ। हम भले ही जो है बच्चों को जो है वेल एजुकेटेड कर दें, जानकारी से लैस कर दें, लेकिन जो बातें जो है वो फिज़िकल क्लासेस में है वो बात शायद कभी ना पैदा हो। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि फिज़िकल क्लास बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जो है दीगर तकरीबात हो रहे हैं, जहाँ दीगर चीज़ें हो रही हैं, तो कम से कम इस तरह भी जो है लोगों का रुझान जाना चाहिए कि किसी न किसी सूरत से जो है वो स्कूली निज़ाम को जो है या फिर वो जो फिजिकल जो है क्लासेस है उसको जो है जारी करने के बारे में सोचें। जैसा कि देखा गया है कि सनीचर को जॉइंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो जहां जॉइंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सकती है, तो उसी तरह से माध्यमिक और एचएस के लिए भी उस तरह की तैयारियाँ की जा सकती थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। सरकार जो है अगर एक मेडिकल इंट्रांस टेस्ट या दीगर टेस्ट को जो है ले सकती है और उन तमाम पाबंदियों को जो है आयत करके, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस जानब सोचना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में भी जो है कुछ इस तरह की पाबंदियों को लाकर और एहतियाती कदम उठाकर जो है इसको भी जारी किया जाए। नहीं तो हम देख रहे हैं कि डेढ़ साल का अर्सा जो है बच्चा वो नील पटा सन्नाटा हो गया समझिए, और ख़ास करके जो है वो हमारा सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल के तो आप लोग निदान जानती हैं, उसके अलावा जो है बच्चे मतलब जिस तर्ज में सीखना चाहिए ना, ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि दो बच्चे चार बच्चे बहुत ज़्यादा, हम खुद क्लास लेते हैं लेकिन उसके बावजूद ये फ्रूटफुल नहीं है। ये खाते खा जो है इसे तमाम बच्चों को फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। अब एक क्लास में या मेरे ग्रुप में जो है समझ लीजिए कि 50 बच्चे हैं, अब उन 50 बच्चों में भी जो है एक दो बच्चे ही जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव, क्लास वर्क दिया जा रहा है उसके बावजूद भी जो है कोई रिस्पांस नहीं। तो इसलिए जो हुकूमत को इस जाने भी जो है वो सोचना चाहिए कि ऐसा निज़ाम है ना, कुछ ऐसी हिदायतें दी जाए ताकि स्कूल जो है वो फिर से जारी हो सारी हो और बच्चे जो है वो फुल स्ट्रेंथ में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ आए बच्चे। इससे पहले भी क्लास 10 और 12 को जो है वो शामिल किया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लासें बहुत अच्छी तरीके से हुए। अगर इस तरह से जो है वो सोचा जाए मुस्बत तरीके से तो हो सकता है फिर से वो शुरू किया जा सके और बेहतर हो बच्चों के हाथ में।